Assalamualaikum, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th क्लास के कहकशा बुक से, उर्दू के कहकशा बुक से चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। देखिए, चैप्टर के टाइटल से ही आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है। बाज़ पुराने लफ्ज़, यानी कि वैसे पुराने पुराने लफ्ज़ जिसको हम बहुत सालों से, बहुत सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, वैसे पुराने पुराने उर्दू के लफ्ज़ जिसको हम उर्दू के लफ्ज़ नहीं, सिर्फ लफ्ज़ बोलिए, वर्ड बोलिए, जिसको हम बहुत सालों से बोलते चले आ रहे हैं, सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, हमारे उर्दू ज़ुबान का एक तरह से वो हिस्सा बन गया है, ठीक है। तो उन लफ्ज़ों की नई तहकीक यानी कि रिसर्च की गई है इस चैप्टर में, और बताया गया है कि जिन लफ्ज़ों को हम, वो बाज़ पुराने लफ्ज़ जिन लफ्ज़ों को हम बहुत सालों से, बहुत सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, वो लफ्ज़ आखिर आया कहाँ से है, किस ज़ुबान से वो आया है, और उस लफ्ज़ का मानी क्या होता है। और ये जो चैप्टर है, मज़मून है, यानी कि ऐसे हिंदी में बोला जाता है निबंध, यानी कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक पर ये मज़मून यानी कि निबंध लिखा गया है, ठीक है। और इस चैप्टर के राइटर यानी कि मुसन्निफ़ है सैयद सुलेमान नदवी ही बताए हैं कि वो कौन कौन से पुराने लफ्ज़ हैं जिनको हम सदियों से बोलते चले आ रहे हैं, और वो लफ्ज़ों की यही तहकीक की है, यानी कि रिसर्च की है कि आखिर वो लफ्ज़ आए, किस ज़ुबान से आए हैं, और उसके मानी क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ़ यानी कि सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश यानी कि उनका जन्म हुआ है 22 नवंबर 1884 ईस्वी को बिहार के दसना, जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़ है। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी को तो हुई है, लेकिन बिहार के दसना में हुई है, जो कि ये जो दसना है ये नालंदा ज़िला में स्थापित है, वाक़ है, ठीक है। आगे बढ़िए, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद यानी कि उनके पिताजी का नाम है हकीम सैयद अबुल हसन, याद रखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अपने गांव और आसपास के बस्तियों के उल्मा से इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आगे की तालीम हासिल करने के लिए फुलवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए। देखिए, अपने गांव और आसपास के बस्तियों के जो उस्ताद थे, टीचर थे, उल्मा थे, उनसे इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली, और उसके बाद से शुरुआती शिक्षा लेने के बाद अपने आसपास के गांव, अपने आसपास के बस्ती के उल्मा से शुरुआती शिक्षा लेने के बाद वो कहाँ चले गए, फुलवारी शरीफ, और फिर उसके बाद से वो मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हो गए, वहाँ पर उनका एडमिशन हो गया, ठीक है, और वहाँ पर आगे की तालीम लिए, आगे की पढ़ाई लिखाई किए। 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुँचे, जहाँ शिबली नमानी से मुलाकात हुई। ये जो शिबली नमानी थे, यही जो है सैयद सुलेमान के उस्ताद थे, टीचर थे, जो कि सैयद सुलेमान नदवी इन्हीं से मशवरे लिया करते थे कुछ भी लिखने के दौरान, कोई भी मज़मून या फिर कोई भी जो है ना शेर व शायरी या फिर कोई भी नज़्म कविता लिखने में मशवरे लिया करते थे सैयद सुलेमान नदवी शिबली नमानी से, ठीक है। तो ये शिबली नमानी जो है सैयद सुलेमान नदवी के टीचर थे। तो कहाँ पर मुलाकात हुई सैयद सुलेमान नदवी की शिबली नमानी से, तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा में, ठीक है, याद रखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए सैयद सुलेमान नदवी की मुलाकात शिबली नमानी से कहाँ हुई। तो ऑप्शन में अगर दिया रहे दारुल उलूम नदवतुल उलमा तो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इनका पहला मज़मून, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मज़मून यानी कि पहला निबंध खातूनों की तालीम 1902 में पटना से शाये हुआ, पटना से प्रकाशित हुआ, ठीक है। खातूनों की तालीम नाम के टाइटल से इनका पहला मज़मून यानी कि पहला निबंध प्रकाशित किया गया, कब, तो 1902 ईस्वी में, कहाँ से, तो पटना से। और उसी साल 1902 में ही और एक और मज़मून जिसका नाम है आखिर वक्त, लाहौर से शाये हुआ। 1902 में ही इनका पहला मज़मून खातूनों की तालीम प्रकाशित किया गया, शाये किया गया, लेकिन उसी साल 1902 में ही इनका एक और मज़मून जिसका नाम है आखिर वक्त, इसको भी प्रकाशित किया गया, लेकिन इसको लाहौर से शाये किया गया, इनकी प्रकाशित किया गया, ठीक है। आगे बढ़िए, 1903 में उनकी अशआर, नज़में और गज़लें भी शाये होने लगी। 1913 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता भी हुए। देखिए, 1903 में जो है ना सैयद सुलेमान नदवी की अशआर यानी कि शेर व शायरी, नज़में यानी कि कविता और गज़लें भी शाये होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद से 1913 में सैयद सुलेमान नदवी जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार था अल हिलाल,
इसमें वाबस्ता हो गए, रिलेट हो गए और इसमें काम करने लगे अल हिलाल में। लेकिन ज़्यादा दिन तक सैयद सुलेमान नदवी जो है ना अल हिलाल नाम के अखबार में काम नहीं कर पाए और उसके बाद से ये पूना कॉलेज में जाकर वहाँ पर काम करने लगे। पूना कॉलेज में जब काम कर रहे थे तो इनके उस्ताद जो थे टीचर शिबली नमानी, उनकी वफात हो गई, मौत हो गई, तो उन्होंने पूना कॉलेज को भी छोड़ दिया और ख़ुद सैयद सुलेमान नदवी एक टीचर के तौर पर क्या हो गए, काम करने लगे, एक टीचर बन गए, उस्ताद बन गए। ठीक है, अरबी अदब, इस्लामियात, तारीख, सवाना, अदबियात और तरतीब व तदवीन के ख़ास मैदान हैं। अरबी अदब, अरबी और इस्लामियत और उसके बाद से तारीख यानी कि हिस्ट्री, सवाना यानी कि बायोग्राफी, अदबियात यानी कि लिटरेचर और तरतीब व तदवीन यानी कि एडिटिंग के इनके ख़ास मैदान थे यानी कि इन सारे मतलब क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, उर्दू ज़ुबान से मुताल्लुक मज़ामीन यानी कि उर्दू में इनका लिखा हुआ मज़मून निबंध है, निबंध का नाम आप लोग के बुक में दिया गया है, जैसे कि नकूस सुलेमानी, हमारी ज़ुबान का नाम, मज़ामीन सुलेमान, मुकालात सुलेमान। देखिए यहाँ पर मुकालात ही दिया है आप लोग के, आप लोगों को लग रहा होगा कि मुलाकात होगा लेकिन आप लोगों के बुक में लिखा गया है मुकालात, मुकालात सुलेमान वगैरह वगैरह। इन्होंने बहुत सारी उर्दू में मज़मून यानी कि निबंध लिखे। ठीक है, आगे बढ़िए, शिबली नमानी की हयात पर एक किताब हयात शिबली लिखे। शिबली नमानी की जब इंतकाल हो गया ना इनके उस्ताद का, तो वो अपने उस्ताद पर ही एक किताब लिखे जिनका नाम था हयात शिबली। हयात शिबली के नाम से वो किताब फेमस हुआ। मशहूर किताब भी इनके कुछ और मशहूर किताब का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि अरब व हिंद के ताल्लुकात, एक मिनट यहाँ पर दो बिंदु छूट गया, ताल्लुकात, अरबों की जहाज रानी, सीरत आयशा, हयाम और रहमत आलिम वगैरह वगैरह, इनकी बहुत सारे मशहूर किताबें भी प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद से इनका इंतकाल हो गया था 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची में। तो ये हो गया सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। जो भी डिटेल्स मैं बोर्ड पर लिखी हूँ हर एक एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जब आप लोगों को मालूम रहेगा तभी तो आप सही आंसर टिक करके और लिख कर आएंगे ना। तो जो भी मैं आप लोगों को बताई हर एक एक बोर्ड पर जो भी लिखी हूँ हर एक एक पॉइंट को आप लोगों को माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, तो अब चलिए जरा इस चैप्टर को समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से लफ्ज़ों को बताया गया है जो कि हम लोग पूरा बहुत सालों से बोलते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए ज़रा इस चैप्टर को समझ लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में ना शुरू में सैयद सुलेमान नदवी अपने बारे में बताए हैं कि मैं दो ज़ुबानें जानता हूँ। सैयद सुलेमान नदवी जो है वो दो ज़ुबानें यानी कि दो भाषा में माहिर है, दो भाषा जानते हैं, एक पूरब की और एक पश्चिम की। पूरब से मतलब अरबी और पश्चिम का मतलब अंग्रेज़ी। ठीक है, यानी कि अरबी और अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश, अरबी और इंग्लिश दो ज़ुबानें, दो भाषा सैयद सुलेमान नदवी जानते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए पूरब की ज़ुबान से क्या मुराद है, तो पूरब से अरबी और पश्चिम से अंग्रेज़ी इंग्लिश, याद रखिएगा। ठीक है, अब वो आगे मतलब सभी लोगों से पूछे हैं कि खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, सुबह का ब्रेकफास्ट कि 12 बजे का लंच कि रात का डिनर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। और ये भी वो लिखे हैं कि अलग अलग जो लोग हैं अपने आदत के मुताबिक, अपने राय के मुताबिक अलग अलग मतलब खाना को बताएंगे कि हाँ, कोई बोलेगा कि लंच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बोलेगा रात का डिनर मतलब रात का खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सैयद सुलेमान नदवी अपनी राय बताए हैं, अपने हिसाब से वो अपना अनुभव बताए हैं कि देखिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो खाना है वो नाश्ता है, क्योंकि हम लोग रात भर भूखे रहते हैं। ठीक है, पेट खाली रहता है और सुबह में उठकर हम लोग को कुछ चाहिए ही चाहिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना जो है वो नाश्ता है। अगर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं तो हम लोगों की दिन की नैया पार लग जाती है, दिन का बेड़ा पार लग जाता है, दिन बहुत अच्छा से गुजरता है। तो नाश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना सैयद सुलेमान नदवी, खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना सैयद सुलेमान नदवी नाश्ता को बताए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तलाह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग रात भर खाली पेट रहते हैं, भूखे रहते हैं और सुबह में उठकर खाते हैं, तो एक तरह से भूख तोड़ना ही होना हुआ, तो नाश्ता को भूख तोड़ने की इस्तलाह भी कहते हैं। अगर सुबह में हम लोग नाश्ता ना करें तो मतलब आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है सभी लोगों को एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम पेट में हो जा रहा है, सभी लोग कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, मतलब क्या बताऊँ, सभी लोगों के घर में ये मतलब गैस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। कोई भी ऐसा घर नहीं है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, मतलब लगभग घर में आप लोग एक
ना एक गैस कॉन्स्टिपेशन का दवा ज़रूर देखेंगे, गैस का दवा। मतलब हर घर में किसी ना किसी को एसिडिटी तो होता ही रहता है, गैस का प्रॉब्लम है ये, और हर घर में एक ना एक गैस का दवा रहेगा ही, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पता है कौन फेमस दवा है, वो एक है एसीलॉक, नहीं तो एसीलॉक आरडी, नहीं तो ओमी, और नहीं तो डीएसआर, या फिर डीएसआर में कोई भी आ सकता है, रेबिनेट डीएसआर, मतलब लास्ट में डीएसआर रहना चाहिए। तो ये जो चार दवाएं हैं ना, एसीलॉक, नहीं तो एसीलॉक आरडी, नहीं तो ओमी, नहीं तो डीएसआर, ये चार दवाएं सभी घर में राज कर रही हैं, इन्हीं का राज है, ठीक है। सभी लोग के घर में ये चारों में से कोई ना कोई एक गैस का दवा रहता ही रहता है, ठीक है। ये मतलब इनका राज है इन दवाओं को, क्योंकि सभी लोगों को आजकल एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। छोड़िए, इधर बात से बात आ गई तो मैं आप लोगों को बता दी, लेकिन मतलब ऐसा सच में है, ठीक है। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं। सैयद सुलेमान नदवी बताए हैं कि नाश्ता को जो है ना अरबी में फतूर कहते हैं, जिसका मानी तोड़ने के हैं, और फतूर से ही अफ्तार निकला है। और आप लोग जानते ही हैं अफ्तार, हम लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा रहते हैं, तो शाम के वक्त मगरिब का जब अजान होता है तो उस वक्त हम लोग अफ्तार करते हैं, ठीक है। तो अफ्तार जो है ये बहुत सालों से आप लोग लफ्ज़ बोलते आ रहे हैं और बहुत सदियों से चलता आ रहा है, तो आखिर ये लफ्ज़ आया कहाँ से है, तो फतूर नाम के लफ्ज़ से ये बना है, फतूर से अफ्तार बना है, और फतूर जो है वो अरबी लफ्ज़, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है। और अफ्तार से ही अफ्तारी बनना है, यानी कि जिस चीज़ से हम लोग अफ्तार करते हैं, जिस चीज़ से हम लोग रोज़ा खोलते हैं, जिस खाना से, उसको हम लोग अफ्तारी कहते हैं। तो अफ्तार और अफ्तारी बहुत सालों से बोला चला आ रहा है, हम लोग सभी लोग बोलते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अफ्तार जो है वो फतूर से बना है, जिसका मानी होता है तोड़ने के, ठीक है। और फतूर से ही अफ्तार बना है, यानी कि जब हम भूख को तोड़ते हैं शाम के वक्त मगरिब के अजान के बाद, तो उसी को हम लोग अफ्तार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ एक नहार है, जो कि नहार से बना है। फारसी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है नहार, ये नहार से बना है। ना मतलब होता है नहीं, और हार मतलब होता है गज़ा यानी कि भोजन, यानी कि नाहार यानी कि नहीं खाया हुआ। ना मतलब नहीं और हार मतलब भोजन, यानी कि नहीं खाया हुआ, भोजन को नहीं खाया हुआ। और इसी से आप लोग कई जगह सुने होंगे नहार मुंह खाना है, इस दवा को नहार मुंह खाना है, यानी कि खाली पेट खाना है, बिना खाए इसको खाना है इस दवा को, ठीक है। और इसी से नहारी भी बनता है, नहारी यानी कि जो इंसान कुछ नहीं खाया हो, भूखा हो, खाली पेट हो, उसको नहारी कहते हैं, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों को बताई ही निहार मुँह खाना है, यानी कि बिना खाए खाना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि निहार का मतलब क्या होता है, नहीं खाया हुआ, जो इंसान कोई भी चीज़ नहीं खाया हो, खाना नहीं खाया, उसी को निहार कहते हैं, ठीक है। अरबी में एक होता है कुल्लिया, अरबी में कुल्लिया भुने हुए गोश्त को कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में ये कलिया होता है। अरबी में कुल्लिया होता है और हमारी अपनी भाषा में जो है ना ये कलिया होता है, जो कि शोरबादार गोश्त को कहते हैं, याद रखिएगा। हमारी ज़ुबान का एक और लफ्ज़ है जिसका नाम है सुर्खी, ठीक है। ये सुर्खी जो है जिसका मानी होता है उनवान, यानी कि टाइटल, ठीक है। पहले के ज़माने में होता क्या था कि लोग हाथ से ही कुछ भी लिखा करते थे, तो जब वो किसी चीज़ के बारे में लिखा करते थे ना, तो उसका टाइटल दे देते थे कि इसके बारे में हम लिख रहे हैं। मान लीजिए ज्ञापन अकेडमी के बारे में लिखा जा रहा है, तो उसका टाइटल दे दिया हम लोग ज्ञापन अकेडमी, ठीक है। और हाथ से वो लोग पहले के ज़माने में लिखा करते थे, तो रेड कलर के वो कलम से वो क्या करते थे, उसका टाइटल दे दिया करते थे, और उसी को सुर्खी बोला जाने लगा। सुर्ख कलर से यानी कि लाल कलर से वो टाइटल दे देते थे, उसी को सुर्खी कहा जाता था पहले के ज़माने में। लेकिन अभी प्रिंटिंग का ज़माना आ गया है, प्रिंटिंग मशीन, अब क्या कर रही है, प्रिंटिंग मशीन प्रिंट कर दे रही है, तो अब उसी को टाइटल बोला जा रहा है। जैसे कि देखिए, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है ये टाइटल है, लेकिन यही मैं अगर ब्लैक कलर से लिखी हूँ, इसको हटा कर मैं रेड कलर से लिख दूँ, इसका टाइटल दे दूँ, तो ये सुर्खी बोला जाने लगेगा। तो अभी ये जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक है, ये भी तो एक सुर्खी ही है, बस ये रेड कलर से हो जाएगा तो प्योर सुर्खी हो जाएगा, मतलब ये डुप्लीकेट सुर्खी लग रहा है, ये टाइटल है। लेकिन अगर आप इसको सुर्खी तब बोलेंगे जब ये रेड कलर से मैं रेड कलर के मार्कर से लिख दूंगी, तो ये सुर्खी हो जाएगा, सुर्ख कलर यानी कि लाल कलर से। आगे बढ़िए, अहदी, एक होता है अहदी और एक होता है अहदी।
दोनों में प्रोनंसिएशन का फ़र्क है। देखिए इस पर अलिफ पर सिर्फ ज़बर है और इस पर अलिफ पर भी ज़बर है और हे पर भी ज़बर है, ठीक है। एक होता है अहदी और दूसरा होता है अहदी। ये वाले अहदी का मतलब होता है सुस्त और काहिल, मतलब जो अपने काम में दिलचस्पी ना रखते हो, सुस्त रहते हो हमेशा, मतलब सोए पटाए रहते हो, उनको हम लोग सुस्त उनको क्या कहते हैं, अहदी कहते हैं, यानी कि अहदी का मतलब सुस्त और काहिल। लेकिन एक होता है अहदी, इसका मतलब होता है एक, कोई भी एक सामान को, एक वचन को वाहिद कोई हम लोग बोलते हैं अहदी, यानी कि कोई भी एक चीज़ को अहदी अहदी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है कोरमा, आप लोग बहुत सालों से सुनते भी चले आ रहे होंगे, कोरमा खाने की चीज़ है। तो ये जो कोरमा लफ्ज़ है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। होता है कुली, देखिए कुली इसको लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं इसको कली, ठीक है। कुली लिखा जाता है लेकिन इसको कली पढ़ा जाता है। और इस कुली या फिर कली, कली का मानी होता है सफ़ेदी और सफाई के, ठीक है। और कली को फारसी ज़ुबान में रांगा भी कहते हैं। रांगा मतलब तांबे के बर्तनों पर रांगा को चढ़ाया जाता था, मतलब उसको पहले के ज़माने में तांबे के बर्तनों पर उसकी क्या बोला जाता है, रांगा को चढ़ाया जाता था सफ़ेदी के लिए, ठीक है। तो रांगा तो होता क्या था, पहले के ज़माने में जब रांगा चढ़ाया जाता था ना तांबे के बर्तनों पर, तो लोग उसको कली करना कहने लगे कि कली फेरा जा रहा है, कली फेरा जा रहा है, यानी कि रांगा चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कली फेरना करने लगे और इसीलिए कली फेरने के नाम से ही वो मशहूर हो गया। लोग रांगा भूल गए और कली फेरना ही बोलने लगे सभी लोग, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर भी बर्तन की सफाई होती है, मतलब बर्तन धोया जाता है या फिर मकान की सफाई होती है घर की और उस पर पेंट चढ़ाया जाता है, तो लोग ज़्यादातर उसको कली फेरना बोलने लगे, यानी कि उसको साफ सफाई किया जा रहा है। देखिए कली फेरना का मतलब होता है ऐब छुपाना, यानी कि गलती को छुपा देना, जो भी गलती है उसको छुपा देना। बर्तन को धोया जाता है या फिर मकान पर कुली फेरी जाती है, सॉरी कली फेरी जाती है, मकान पर जो है ना कली फेरी जाती है, यानी कि ऐब को छुपाया जाता है। जो घर पर दाग धब्बे लग गए हैं, घर गंदा हो गया है, तो उस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है कली फेरना। और उसके बाद से एक होता है कली खोलना, जिसका मतलब होता है ऐब जाहिर करना, यानी कि गलतियों को जाहिर कर देना, दिखा देना, किसी इंसान में कोई गलती है तो उसको जाहिर कर देना, अब तुम्हारी कली खुलने वाली है, यानी कि अब तुम्हारा राज खुलने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कली फेरना और कली खोलना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा चैप्टर, आई थिंक जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद से क्या आप इस वीडियो को अपने पास ही रखेंगे, दूसरों के पास भी शेयर कीजिए, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।